सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोटो की तरफ से जो अपकमिंग फ्लैगशिप स्मार्टफोन मोटो एज 2022 रिलीज होने वाला है, इसके बारे में। इसमें क्या कुछ स्पेसिफिकेशंस रहेगा और कौन कौन से फीचर्स के साथ ये इंडिया में लॉन्च होगा और ये कब तक इंडिया में लॉन्च होगा, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, मोटोरोला मोटो एज 2022, ये कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन नेक्स्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है मोटो की तरफ से और ये स्मार्टफोन बेस्ड होगा ऑन अनाउंस्ड मीडियाटेक डायमेंसिटी MT6879 प्रोसेसर पे। सो दोस्तों, ये स्मार्टफोन का 3D रेंडर्स वगैरह अब लीक होने लगे हैं और यहाँ पर हमें कुछ क्रेजी फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि 144Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट हो गया डिस्प्ले में। स्मार्टफोन का डिज़ाइन भी काफ़ी हद तक देखने को मिल चुका है और यहाँ पर हमें मीडियाटेक डायमेंसिटी का नेक्स्ट ऑन अनाउंस्ड प्रोसेसर देखने को मिलेगा। सो बात करते हैं मोटो एज 2022 डिज़ाइन के बारे में। तो फ्रंट की तरफ हमें मोटो एज 2022 में एक फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ पंच होल कटआउट और यहां पर कहा जा रहा है कि 6.5 इंच POLED डिस्प्ले होगा जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ होगा और यहां पर हमें 144Hz फास्ट रिफ्रेश भी देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन में ऑब्वियसली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ही रहेगा। लाइक मोस्ट ऑफ दी हाई एंड स्मार्टफोन, मोटो एज 2022 में 3.5mm हेडफोन जैक सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाउएवर, स्मार्टफोन में USB टाइप सी पोर्ट और डाटा ट्रांसमिशन के लिए USB टाइप सी पोर्ट और वायरलेस चार्जिंग भी हो सकता है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं स्मार्टफोन में और कौन कौन से फीचर्स रहेगा या फिर कहें हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर स्मार्टफोन में प्रोसेसर में MediaTek Dimensity MT6879 प्रोसेसर रहेगा जो कि पेयर्ड होगा 6GB रैम, 8GB रैम और 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और रूमर्स ये भी है कि इस स्मार्टफोन में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन में डुअल नैनो सिम सपोर्ट देखने को मिलेगा विथ 5G नेटवर्क ऑन बोथ दिस स्लॉट। स्मार्टफोन की कैमरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मोटो एज 2022 में 50MP मेन सेंसर होगा जो कि OIS के सपोर्ट के साथ रहेगा और यहाँ पर 13MP अल्ट्रा वाइड लेंस और 2MP का एक माइक्रो लेंस भी रहेगा। और स्मार्टफोन के फ्रंट की तरफ हमें 32MP सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा विथ पिक्सल बिनिंग टेक्नोलॉजी और इसका मतलब ये है कि फ्रंट की तरफ जो कैमरा रहेगा वहाँ पर भी हमें क्वालिटी काफ़ी शार्प देखने को मिल सकता है। और मोटो एज 2022 फ्यूल्ड होने वाला है 5000mAh बैटरी पे जो कि फास्ट चार्जिंग 80W के साथ हो सकता है। अगेन, ये एक रूमर्स है कि 80W यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम 65W फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन में एंड्रॉयड 12 होगा जो कि स्टॉक एंड्रॉयड है और कुछ मोटो UI ट्विक्स के साथ इस स्मार्टफोन में स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अब बात करते हैं मोटो एज 2022 के प्राइस के बारे में और लॉन्च डेट के बारे में। तो यहाँ पर हमें मोटो एज 2022 में भी क्लोज अराउंड हो सकता है 35,000 to 38,000। अगेन, मोटो लास्ट कुछ ईयर्स से या फिर कहें कि 2021 से मोटो काफ़ी एग्रेसिव है प्राइसिंग के मामले में, मेनली इन इंडिया। सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्मार्टफोन अंडर 40 के रहेगा और 35,000 to 36,000 के अंडर बेस वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि मोटो एज 2022 नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में, दोनों ही मार्केट में एक ही टाइम पर लॉन्च किया जाएगा। इसका मतलब इस मंथ के एंड तक हमें इस स्मार्टफोन को ऑनलाइन सेल होते हुए हम देख पाएंगे। सो दोस्तों, देखने वाली बात ये होगा कि यहाँ पर हमें स्मार्टफोन में और कौन कौन से बेहतर फीचर्स देखने को मिलेगा और ये और इसी स्मार्टफोन में और कौन कौन से फीचर्स रहेगा और क्या कुछ नया रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट और मिनिमल डिज़ाइन देखने को मिल सकता है। सो देखते हैं दोस्तों, वेट करते हैं और स्मार्टफोन में क्या कुछ चेंजेस रहेगा इसे देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और